कुत्ते की वफादारी। अना तो एक सीधा साधा भोला भाला किसान था। वह अपनी पैतृक जमीन पर खेती करने में सारा दिन बिता देता था। शाम को घर आकर भोजन खाकर सो जाता था। अनातो के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था सिंगर। अनातो सिंगर को बहुत प्यार करता था। उसे अपने साथ खेत पर लेकर जाता था और शाम को अपने साथ घर ले आता था। सिंगर ही उसका सच्चा साथी था। अनातो का एक पड़ोसी था शेंटो। वह सिंगर से बहुत जलता था। सिंगर अक्सर शेंटो के घर के अहाते में अथवा दरवाजे के पास गंदा कर आता था। शेंटो यदि सिंगर को अपने अहाते में देख लेता तो डंडा लेकर सिंगर के पीछे दौड़ता था। सिंगर शेंटो को खूब इधर उधर दौड़ाता रहता। अनातो ने सिंगर को तब से पाला था जब वह मुश्किल से 15 दिन का था। अतः वह भी सिंगर की हर जरूरत को पहचानता था। सिंगर भी अनातो की बात अच्छी तरह समझता था। अनातो कभी कभी सिंगर के साथ खेलता भी था। उसके साथ दौड़ लगाने में सिंगर को बहुत आनंद आता था। एक दिन अनातो शाम को भोजन कर रहा था। अचानक सिंगर को क्या सूझी कि वह जोर जोर से भौंकने लगा। अनातो ने सिंगर को चुप करवाने का प्रयास किया परंतु सिंगर और जोर से भौंकने लगा। उसने अनातो का कुर्ता पकड़ लिया और उसे घर के पिछवाड़े की ओर खींचने लगा। अनातो को लगा कि शायद पिछवाड़े के आंगन में सिंगर कुछ दिखाना चाहता है। अनातो वहां पहुंच गया, तब भी सिंगर भौंकता रहा। सिंगर पिछवाड़े के अमरूद के पेड़ के पास जमीन खोदने लगा। अनातो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भीतर से फावड़ा ले आया लेकिन मिट्टी खोदने पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वह भीतर जाने लगा, तभी सिंगर पुनः अनातो को खींचने लगा। अनातो ने देखा कि सिंगर उसी जगह और मिट्टी खोदने के प्रयास में लगा है। अनातो ने पुनः वहां खोदना शुरू किया तो अचानक उसका फावड़ा एक पीतल के मटके से जा टकराया। अनातो ने देखा कि मटके में सोने की अशर्फियां भरी थी। अनातो वहां से अशर्फियां निकालता गया और ढेरों अशर्फियां निकलती गईं। अनातो की खुशी से बांछें खिल गई। वह सोचने लगा कि अब वह बड़ा सा मकान खरीदेगा और विवाह करके अपना घर बसाएगा। वह सिंगर को प्यार करते हुए उसको सहलाने लगा। सिंगर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा था। इसके पश्चात अनातो उन अशर्फियों को बक्से में बंद कर सुरक्षित स्थान पर रखकर सो गया। परंतु सुबह जब अनातो उठा तो देखा कि दरवाजे पर शेंटो खड़ा था। न जाने कैसे उसे सिंगर की होशियारी और खजाने का पता लग गया था। शेंटो बोला, मुबारक हो यार, तुम्हारे सिंगर ने तो कमाल कर दिया। कृपया अपने सिंगर को 2 दिन के लिए मुझे दे दो, मैं भी खजाना ढूंढना चाहता हूँ। अनातो शेंटो की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। परंतु वह शेंटो को सिंगर को नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि शेंटो सिंगर से प्यार नहीं घृणा करता है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, भैया तुम मेरे अच्छे पड़ोसी के साथ साथ मित्र भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें किसी चीज को मना नहीं करना चाहता। परंतु तुम जानते हो कि सिंगर तुम्हें और तुम सिंगर को पसंद नहीं करते। यदि तुम्हारी किस्मत में खजाना होगा तो अवश्य मिल जाएगा। परंतु शेंटो तो खजाना पाने की लालसा में था, अतः वह बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सिंगर तुम्हारा प्यारा कुत्ता है, मैं 2 दिन उसे संभाल ही लूंगा। अब अनातो शेंटो को मना नहीं कर सका और शेंटो सिंगर की डोरी को पकड़कर अपने घर ले गया। अब शेंटो बार बार सिंगर को जमीन सुघाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ता कभी भी किसी के कहने पर कोई जगह या जमीन नहीं सूंघता। इसी कारण सिंगर बार बार वहां से हटने का प्रयास करता। शेंटो सिंगर को जबरदस्ती अपने आंगन के पेड़ के पास ले गया और उसका मुंह जमीन पर रगड़ दिया ताकि वह सूंघ कर जमीन खोदने लगे। परंतु उसके साथ जबरदस्ती होने के कारण सिंगर को क्रोध आ गया और वह भौंकने लगा। शेंटो ने
क्रोध में आकर उसे पेड़ से बांध दिया और शाम तक उसे भोजन नहीं दिया। शाम को जब शेंटो आया तो सिंगर बहुत उदास बैठा था। शेंटो ने पुनः सिंगर को घर के कोनों में व घर के आसपास सुंघाने का प्रयास किया, परंतु सिंगर क्रोध में गुर्राने लगा, अपने घर जाने का प्रयास करने लगा। शेंटो ने क्रोध में आकर सिंगर को जोर से डंडा दे मारा। सिंगर चिल्लाते हुए गिर पड़ा और मर गया। अब शेंटो डर गया कि अनाथों को क्या जवाब देगा। उसने चुपचाप घर के पीछे पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे सिंगर को दफना दिया। 2 दिन बाद अनाथो सिंगर को लेने आया तो शेंटो बोला, अरे यार, तुम्हारा कुत्ता कमाल का होशियार है। मेरा भाई गांव से आया था, उसे सिंगर बहुत पसंद आया और उसे वह अपने साथ ले गया। यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरे सिंगर को मुझसे पूछे बिना किसी और को कैसे दे दिया? मुझे अपने भाई का पता दो, मैं खुद जाकर सिंगर को लेकर आऊंगा। अब शेंटो को कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। वह बात बनाते हुए बोला, मेरा भाई उसे हमेशा के लिए थोड़े ही ले गया है, 1 हफ्ते में वापस दे जाएगा। अना तो मन मार कर वहां से चला गया और एक एक दिन गिनकर काटने लगा। 6 दिन बीते ही थे, 7वें दिन वह शेंटो के घर पहुंचा और सिंगर को मांगने लगा, परंतु शेंटो ने बहाना बना दिया कि शायद वह 1-2 दिन बाद आएगा। इस तरह टालते टालते शेंटो ने 15 दिन निकाल दिए। अनाथो सिंगर के लिए पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि इसी बीच उसका रिश्ता तय हो गया था और 3-4 दिन में ही उसकी शादी होने वाली थी। वह शेंटो पर क्रोधित होते हुए बोला, देखो, मैं सिंगर के बिना विवाह नहीं कर सकता, परसों मेरा विवाह है, तुम जल्दी से सिंगर को लेकर आओ। शेंटो बोला, मैं सिंगर को कहां से लाऊं, वह तो मर गया। अनाथों के क्रोध का पारावार ना रहा, वह बोला, क्या बकते हो, कहां है मेरा सिंगर, जल्दी बताओ। शेंटो ने सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी। अब अनाथो बहुत दुखी होकर चला गया और अपने रिश्तेदारों से कहने लगा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। सबने अनाथों को समझाया, देखो भाई, नियति को कौन टाल सकता है, अब तो उसकी यादें तुम्हारे साथ हैं, तुम विवाह करो और सुख से जीवन बिताओ। अनाथों ने विवाह में शेंटो को नहीं बुलाया और उसका विवाह संपन्न हो गया। अनाथो विवाह के पश्चात भी उदास था। उसकी पत्नी मंगला अपने पति की भावनाओं को समझती थी। वह बोली, मैं जानती हूँ कि सिंगर तुम्हारा प्यारा कुत्ता था, चलो हम वहां जाकर पुष्प चढ़ा आते हैं जहां शेंटो ने सिंगर को दफनाया था। अनाथों को मंगला की बात जंच गई। वे वहां पहुंचे तो देखा, एक छोटा सा विचित्र पौधा निकल आया था जहां शेंटो ने सिंगर को दफनाया था। उस स्थान पर फूल चढ़ाने के पश्चात मंगला बोली, मैं सोचती हूँ कि यह पौधा सिंगर का प्रतिरूप है, यह पौधा उखाड़ कर हमें अपने घर के आंगन में लगा लेना चाहिए ताकि यह हमें सिंगर की याद दिलाता रहे। अनाथों ने सोचा कि यह ठीक रहेगा। उसने उस पौधे को बहुत सावधानी पूर्वक निकाल कर अपने आंगन में लगा दिया। पौधा 2 वर्ष में पूरा वृक्ष बन गया। उस पर विचित्र प्रकार के फूल व पत्तियां निकलते थे। इस बीच अनाथो एक पुत्र का पिता बन गया। एक दिन अनाथो का पुत्र बीमार था। वह वैद्य से दवा दिला लाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन पुत्र ने खेलते खेलते उस वृक्ष का फूल खा लिया। उसी दिन पुत्र एकदम स्वस्थ हो गया। अनाथों को पहले यकीन नहीं हुआ, परंतु बड़ी हैरानी हुई कि सिंगर मरकर भी उसकी सहायता कर रहा था। धीरे धीरे लोगों में यह खबर फैल गई कि अनाथों के घर का पेड़ करामती है। उसकी पत्तियां व फूल खाने से तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शेंटो ने सोचा कि इसका लाभ उठाया जाए और एक दिन चुपचाप उस पेड़ की टहनी काट लाया। वह गली मोहल्ले में जाकर उन्हें बेचने लगा। नगर के राजा ने यह खबर सुनी तो अनाथों को बुलावा भेजा। राजा ने कहा कि यह पेड़ हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अनाथों इसके लिए राजी नहीं हुआ, परंतु वह उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ लाया था।
वह राजा को दे दी। राजा ने वह पत्तियां अपने बीमार पुत्र को खिलाई तो उसके पुत्र की बीमारी दूर हो गई। राजा ने इसके बदले अनाथों को धन देना चाहा, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि अपने प्यारे पेड़ का मोल नहीं लगाना चाहता, वह अपने प्यारे सिंगर पेड़ से लोगों की सेवा कराना चाहता है। राजा ने अनाथों की सच्चाई व ईमानदारी देखकर उसे अपने दरबार में ऊंचे ओहदे पर नियुक्त किया। शेंटो अनाथों से ईर्ष्यावश जला जा रहा था। उसकी बेची हुई पत्तियों से लोगों की बीमारियां बढ़ने लगी। लोग शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने बेईमान शेंटो को कारागार में डाल दिया।